मैं सालनी हिंदुस्तानी जायका से सालनी की रसोई में आज आपको समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ के जी आलू बॉईल किया है। मैं यहाँ गैस स्टोव पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें ऑयल डाली हूँ 2 चम्मच, उसमें राई, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, करी पत्ता डाल के इसे भून लूँगी। ये जब भून जाएगा तो इसमें मैं आलू ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इस स्टेज पे मैं भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। मैं रोस्टेड बादाम जो है इसमें ऊपर से डाल दूँगी। अब मैं समोसा का डो लगाऊँगी। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसे मैं अच्छे तरीके से चाल लूँगी। इसे चालने के बाद इसमें मैं अजवाइन, सोडा, नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं थोड़ा ऑयल भी डाली हूँ। इसे अच्छे तरीके से हमें सानना है और हाथ में जब मुट्ठी बंधे तो समझिए ये ठीक है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डो लगाऊँगी। ये देखिए आटा हमारा रेडी हो चुका। मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा आटा होना चाहिए। इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसके मैं लोई बनाऊँगी। मैं आपको दिखला रही हूँ कि हमें समोसा किस तरीके से बेलना है। मैं इसे लंबाई में बेलूँगी। ये देखिए ये थोड़ा हल्का मोटा ही रहेगा तब समोसा परफेक्ट बनता है इसका। इसे हम चारों तरफ से नहीं बेलेंगे, इसे हम लंबाई में ही पलट पलट के हल्का पत्थर लगा के बेलेंगे। ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको दिखला रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे 2 भागों में बांट दूँगी। ये देखिए मैं इसे 2 भागों में बांटी हूँ। अब इसमें मैं टाइट से पानी लगाऊंगी और कोन का शेप दूंगी। ये देखिए इसे अच्छे तरीके से दबा दूंगी ताकि समोसा तेल में जाए तो ये खुले ना। इस तरीके से मैं कोन का शेप दी हूँ। अब इसमें मैं आलू स्टफ करूंगी। देखिए मैं भरी हूँ। अब साइड्स में फिर पानी लगाऊंगी और इसे इधर ज़्यादा है उधर 2 फोल्ड करूँगी और त्रिकोण शेप दूँगी। ये देखिए मैं दिखला रही हूँ आपको कि हमें समोसा किस तरीके से बनाना है। ये देखिए हमारा समोसा कितना परफेक्ट बना है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊँगी। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ कुछ परेशानी होती है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से आपको बना के बताऊँगी। ये देखिए मैं दूसरा भी इसी तरीके से रेडी करूँगी। साइड्स में फिर से पानी लगाऊँगी, इधर ज़्यादा बड़ा है उधर फोल्ड करके और ये मैं समोसा का शेप दे दूँगी। इधर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था और समोसा को मैं डाल दी। इसे मैं मीडियम फ्लेम में तलूँगी। इसे धीमे आंच में तलिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो सके। इसी तरीके से मैं सारे समोसे को तलकर रेडी कर लूँगी। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं कि हम समोसे का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। ये देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ। इसी तरह मैं सारे समोसों को टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी ताकि सारा तेल जो है इसमें आ जाए।
आप इसे सॉस या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे चने की सब्जी के साथ सर्व की। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।